हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल विथ एक्सरसाइज एंड एग्जांपल लाया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश इज। सोल्यूशन में फर्स्ट हमें दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ओम है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पार्ट बराबर 5 इक्वल पार्ट है। अब द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या हो जाएगा, जब ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो आर बाई 5 ओम। अब इनको हमने कनेक्ट किया है पैरलर में, तो फॉर पैरलर कनेक्शन क्या होगा, 1/r' बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r3 प्लस 1/4 प्लस 1/r5। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/ सारे इक्वल हैं तो r बाई 5 प्लस 1/r/5 फाइव टाइम 1 प्लस r/5 लिख देंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे 1/r' इक्वल टू क्या होगा, ये सारे 5 ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर, तो 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। अब सबका डिनोमिनेटर जब r है तो 1/r' बराबर क्या हो जाएगा, 5 बार 5 को प्लस करेंगे और फिर अपान में न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर r है तो ये r आ जाएगा। अब ये r अपान में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो r/r' बराबर क्या आ जाएगा, ये पाँचों पाँच बार ऐड करेंगे 25, तो यही आंसर होगा r/r' इज 25, यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है i²r, सेकंड है ir², थर्ड है vi और डी है v²/r। इसका सोल्यूशन में p इक्वल टू हम जानते हैं vi होता है, तो v इक्वल टू ir, मतलब ये i²r हो गया क्योंकि v इक्वल टू ir होता ही है, या p इक्वल टू vi है, i इक्वल टू v/r होता है, तो p इक्वल टू v²/r, तो p इक्वल टू vi, p इक्वल टू i²/r, p इक्वल टू v²/r। लेकिन इन कहीं में भी जो i²r है वो नहीं आया, इसका मतलब i²r डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो इसके सोल्यूशन में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम चाहे 220 वोल्ट से चलाएं या 110 वोल्ट से चलाएं, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, तो उसी बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे है फॉर फर्स्ट केस V इक्वल टू 220 वोल्ट और P इक्वल टू 100 वाट, तो R इक्वल टू होता है v²/p, R इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100 अपॉन 100, जी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 22 इंटू 22 बराबर कितना आ जाएगा 484 ओम। तो ये हो गया फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस हमारा सेकंड केस के लिए भी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा v²/r, तो V हमारा 110 इंटू 110 और R है 484, तो 11 4 जा 44, यहाँ 4 बचा 11 4 जा 44, तो यहाँ पर तो आ गया 10, यहाँ आ गया 44, फिर वही 11 1 जा 11 0 11 4 जा 44। अब ये ऊपर 10 है, नी ऊपर भी 10 है, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा P इक्वल टू 25 वाट, मतलब 25 वाट का जो है यहाँ पर जो कंजम्पशन होगा पावर वो 25 वाट होगी जब 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ऑपरेट किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो इस यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1:2, 2:1, 1:4 एंड 4:1। सॉल्यूशन में टू कंडक्टिंग वायर हैं मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, दैट मीन्स दे हैव सेम रेजिस्टेंस आर लेट आर एस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फॉर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू, आर एस बराबर आर प्लस आर, आर एस बराबर टू आर ओम। मतलब जब सीरीज में जोड़ा तो उनका टोटल रेजिस्टेंस 2R ओम है, और जब पैरेलल में जोड़ा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे तो 1/R प्लस आर 1/R, क्योंकि R1 R2 दोनों क्या है, R ओम है। अब 1/RP इक्वल टू 1 प्लस 1/R, तो RP इक्वल टू क्या होगा, R बाई 2 ओम। तो ये आ गया हमारा टोटल, जब हमने पैरेलल जोड़ा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर बाई टू ओम। अब उसके बाद जो हमारा रेशियो होगा, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पी सीरीज अपॉन पी पैरेलल, मतलब बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर एस अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर पी, मतलब सीरीज का और पैरेलल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो कट जाएगा, तो आ जाएगा मतलब सॉल्व करके वी स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू वी स्क्वायर अपॉन टू वी का स्क्वायर। अब जब वी स्क्वायर अपॉन टू आर का आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 इंटू टू, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। मतलब जब हीट प्रोड्यूस होगी उनमें रेशियो 1:4 होगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अ वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज, हेंस द नेम इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6×10⁻¹⁸ ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। जो डायमीटर ऑफ कॉपर वायर है 0.5 mm, इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5×10⁻³ मीटर। जो रेडियस ऑफ द कॉपर वायर होगी वो 0.5/2×10⁻³, इसका हाफ कर लिया तो 0.25×2.5×10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जब इधर आएगा पावर नेगेटिव बढ़ेगी और दोनों पावर जुड़ जाएंगी कि सेम साइन रहेगा, 2.5×10⁴ मीटर। और रेजिस्टिविटी दे रखा है हमारे 1.6×10⁻⁸ ओम मीटर, और रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दिया हुआ है। तो इसके सोल्यूशन में जो फार्मूला यूज होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, या रो या लेंथ हमें फाइंड करनी है तो आर ए अपान रो, तो लेंथ बराबर आर ए अपान रो, आर आर ही रहेगा, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वायर का एरिया, और रो रो ही रहेगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा एल इक्वल टू 10×3.414 × 2.5×10⁻²² (2)×1/1.6×10⁻⁸। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4×2.5² करेंगे 6.25, और पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁸, और ये ऊपर जाएगा 10⁸, क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया।
और ये अपॉन 1.6 नीचे सेफ बचा है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 314 अपॉन 16 इंटू 6.25, और ये हो जाएगा 10 की पावर 0, क्योंकि माइनस प्लस 0 हो जाता है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1962.5 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 0, मतलब एक्स 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यही आंसर रहेगा। तो इसमें जब 16 का डिवाइड कराएंगे तो 122.656 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 122.7 मीटर, यही हमें लेंथ ऑफ वायर, जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर होगी वो 122.7 मीटर होगी। इसी का जो सेकंड केस है हमारा वो है कि जब डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/πr², क्योंकि ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका फार्मूला πr² होगा। इसका मतलब जब डायमीटर भी डबल हो गई तो रेडियस भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, तो 1/2r², मतलब 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/4πr², तो इसका मतलब क्या होगा कि इट मींस व्हेन डायमीटर इज डबल देन रेजिस्टेंस बिकम 1/4, तो यही हमारा आंसर होगा, मतलब रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा पहले के कंपेयर में। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टर्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आई एम्पियर है 0.5, वी माने बोल्ट 1.6, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3.4, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6.7, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 10.2, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 13.2। प्लाट करना है ग्राफ बिटवीन वी आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। सोल्यूशन में जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये हमने करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा है, तो जो हमारा आई और वी के बीच में ग्राफ है उससे हमें यह पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, जो कि एक तरह से कांस्टेंट ही है, बिकॉज आर इज कांस्टेंट, सो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.7, और आई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमारा, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रही है, तो R इक्वल टू क्या आ गया V अपॉन I, तो 6.7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2 वोल्ट है, मतलब 2 एम्पियर है, तो R बराबर आ गया 3.35। तो सेम ऐसे ही निकलेगा, मतलब कहीं भी पॉइंट फाइंड करेंगे हम ग्राफ का रेजिस्टेंस तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब 3.35 ओम ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर्स देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन ए सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर है, मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, आर इक्वल टू बी अपॉन आई, या आर इक्वल टू 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये नीचे रहेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये नीचे से ऊपर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ पर हो गया है पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा, तो ये 120/25, तो सॉल्व करेंगे तो 4.5 × 10³, तो ये हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 4.5 × 10³ ओम, यही हमारा रेजिस्टेंस होगा, यही हमारा आंसर आएगा, R इक्वल टू 4.8 × 10³ ओम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। अब हमें जो दिया है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 9 वोल्ट,
आर वन बराबर 0.2, आर टू बराबर 0.3, आर थ्री बराबर 0.4 ओम, आर फोर बराबर 0.5 ओम, आर फाइव बराबर 12 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। इन सबको जब वैल्यू पुट करके सम करेंगे तो टोटल आर आएगा 13.4 ओम। अब इन द सीरीज करंट इज कॉन्स्टेंट, सो करंट फ्लोइंग 12 ओम रेजिस्टर इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 9 वोल्ट और अपॉन 13.4, जब भी डेसिमल हटेगा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 90 अपॉन 134। डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 0.67 एम्पियर। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फाइंड हो जाएगी हमारी, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर वो होगी 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो रेजिस्टेंस वो 176 ओम है, करंट है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। लेट एन रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो V इक्वल टू होगा आई आर, तो R इक्वल टू आ गया आई अपॉन वी। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया R इक्वल टू 5 अपॉन 220 या R इक्वल टू 144 ओम, ये आ गया हमारा आंसर। अब उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो 1 अपॉन RP बराबर है N इंटू 1 अपॉन RK। तो जो 1 अपॉन RP है वो है हमारा 1 अपॉन 44 बराबर N इंटू 1 अपॉन 76, या फिर ये क्या आ जाएगा, जो 1 अपॉन 76 है ये आ जाएगा 76 ऊपर चला जाएगा 176 अपॉन 44। तो 44 वन जा 44 44 4 जा 76, तो N बराबर आ गया 4 रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो हमें पता है कि 9 ओम के लिए हमें रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और इस 4 ओम मतलब हमें कम चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पैरेलल जोड़ेंगे और इसमें हमें 9 ओम लाना है, तो हो सकता है पैरेलल के साथ सीरीज भी जोड़ रहे हों। तो सल्यूशन में इसमें हम गैस करके देखते हैं, तो सल्यूशन में हमने यहाँ पर देखा फॉर 9 ओम के लिए, तो अगर हम 6 ओम के साथ बाकी के दोनों 6 ओम को ये पैरेलल में जोड़ा और ये इसका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में है, तो हमने पाया कि ये जो है 9 ओम के इक्वल है। जैसे 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये दोनों पैरेलल में जोड़ा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा सॉल्व करके 1 अपॉन RP इक्वल टू 2/6, या सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा RP इक्वल टू 3 ओम। अब उसके बाद R1 और RP दोनों जो हैं कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, 6 ओम प्लस 3 ओम बराबर 9 ओम, मतलब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 9 ओम होगा। अब जो सेकंड है वो उसमें हमें 4 ओम दे रखा है, तो 4 ओम के लिए क्या होगा कि पहले तो दो हम सीरीज में जोड़ेंगे और फिर एक उस उन दोनों का इक्वल जो है हमारा तीसरे के साथ पैरेलल में होगा। तो ये 6 ओम 6 ओम ये दोनों सीरीज में हैं और इसके साथ ये 6 ओम पैरेलल में है, तो हेयर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 सीरीज के लिए, तो 6 प्लस 6 RS बराबर 12 ओम। अब जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 12 का एलसीएम 12, यहाँ 2 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12 तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 3 बाई 12। अब 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम।
ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। यही हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन ऑफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो पावर दिया है 10 वाट ईच बल्ब की, वी इक्वल टू 220 वोल्ट, आर हमें फाइंड करना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, 220 इंटू 220 अपॉन 10 बराबर, आर बराबर हो गया 4840 ओम। मतलब ईच बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इतने ओम है। उसके बाद क्या होगा, हमने एन लैम्प को कनेक्ट किया पैरेलल में, सपोज कर लिया फॉर करंट आई 5 एम्पियर एंड वी इक्वल टू 220 वोल्ट। तो फॉर सर्किट क्या होगा, आर इक्वल टू वी आई अपॉन आई, अब आर हम इक्वल टू क्या होगा 220 अपॉन 5, तो 44, तो आर बराबर आ गया 44 ओम। ये आ गया हमारा। अब उसके बाद हमने सपोज किया कि एन रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाता है। तो 1/44 आर इक्विवेलेंट, मतलब 1/44 इक्वल टू एन अपॉन 4840। इनको कनेक्ट किया एन रेजिस्टेंस को, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 4840 इधर आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन में है, डिवाइड करेंगे 110, तो एन बराबर 110 बल्ब। इसका मतलब होगा कि अगर हम 110 बल्ब को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट का 44 ओम आएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2, ईच रेजिस्टर्स हैज 24 ओम। अब फर्स्ट केस है, फॉर सेपरेट आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू 220 अपॉन 24, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई इक्वल टू 9.616 एम्पियर। अब फॉर सीरीज आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू, आर एस बराबर कितना हो जाएगा 24 प्लस 24, आर एस बराबर 48 ओम, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर एस, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई इक्वल टू 220 अपॉन 48, तो सॉल्व करके आंसर आएगा आई इक्वल टू 4.58 एम्पियर। मतलब वो सेपरेट के लिए आया था 9.16 और जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब जो हमारा थर्ड केस है वो है फॉर पैरेलल 1/RP = 1/R1 + 1/R2, 1/RP = 1/24 + 1/24। अब यहाँ पर क्या है कि 1/RP = दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 + 1/24। अब आरपी बराबर आ जाएगा 1/RP बराबर आ जाएगा 2/24, तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 24, तो आरपी बराबर आ गया 12 ओम। ये हमारा पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस आ गया। अब आई इक्वल टू वी अपॉन आरपी, जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 220 अपॉन 12, तो सॉल्व करके आएगा 18.33, या आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.33 एम्पियर। यही तीनों केसेस की इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब जो क्वेश्चन है हमारा 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। फर्स्ट है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स एंड 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट और R1 बराबर है हमारा 1 ओम, R2 बराबर है 2 ओम।
फर्स्ट केस है आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू, आर एस बराबर वन प्लस टू, आर एस बराबर थ्री ओम। अब इसको हम दो तरह कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, या सेकंड तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर से क्या होगा, सिक्स बाई थ्री, तो आ जाएगा टू एम्पियर। और फिर इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे पी इक्वल टू वी आई सिक्स इंटू टू इक्वल टू ट्वेल्व वाट। तो इस तरह से ये हम पोटेंशियल पावर को फाइंड कर लेंगे। या दूसरा मेथड क्या होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो जब हम सिक्स इंटू सिक्स अपॉन थ्री पुट करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स, आर इक्वल मतलब पी इक्वल टू आ जाएगा ट्वेल्व वाट। इस तरह भी दोनों तरह से हम पावर को फाइंड कर सकते हैं। अब जो सेकंड केस है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस फोर वोल्ट है, आर वन बराबर ट्वेल्व ओम, आर टू बराबर टू ओम, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रो टू ओम बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर बाई टू मतलब टू एम्पियर आ गया। अब पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो फोर इंटू फोर अपॉन टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो पी इक्वल टू क्या होगा, फोर इंटू टू, तो पी इक्वल टू हो गया एट वाट। ये हमारा पावर होगी वाट, जो इस रेजिस्टेंस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है, टू लैम्प है, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, वाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सॉल्यूशन में फॉर फर्स्ट लैम्प पी इक्वल टू 100 वाट, वी इक्वल टू 220 वोल्ट, तो यहां पर हम पहले आर वन फाइंड कर लेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आर वन बराबर 484 ओम। अब जो हमारा सेकंड लैम्प है उसके लिए जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी टू, आर टू बराबर 220 इंटू 220 अपॉन 60 वाट दिया हुआ है, तो थ्री जीरो से जीरो कैंसिल, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो आर टू बराबर 2420 अपॉन 3 ओम। अब क्योंकि दोनों लैम्प कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो ये आ जाएगा वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन 484 प्लस 3 अपॉन 2420, तो वन अपॉन आर पी इक्वल टू 5 484 2420 का एलसीएम ये होगा 5 प्लस 3, तो वन अपॉन आर टी इक्वल टू आर पी इक्वल टू 8 अपॉन 2420, और आर पी इक्वल टू आ जाएगा 2420 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे तो आर पी इक्वल टू 302.5 ओम। अब आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर पी, जो टोटल सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम लेंगे तो हमें टोटल सर्किट में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिसिटी पता चल जाएगी। 220 आर पी की वैल्यू होगी 2420 अपॉन 8, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11, 22 वन जा 22, 0 से 0 कैंसिल, और 22 वन जा 22, 22 वन जा 22, तो सॉल्व करके आएगा आई इक्वल टू 8 अपॉन 11, या इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.728 या 0.73 एम्पियर। ये गलती से अगर स्ट्रॉन्ग का साइन बन गया है, तो ये होगा 0.73 एम्पियर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। सॉल्यूशन में हमें एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी सेट इन 1 आवर, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पी इंटू टी, तो इसकी पावर दे रखी है 250 और टाइम 1 आवर है, तो उसको 3600 सेकेंड कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9 लाख जूल, या इसी को लिख देंगे हम 9 × 10^5 जूल। अब एनर्जी कंज्यूम बाई टोस्टर इन 10 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य ही एनर्जी के इक्वल होता है, तो चाहे डब्ल्यू इक्वल टू पी टी लिखें चाहे एच इक्वल टू पी टी लिखें, तो क्या होगा, पावर दे रखी है 1200 वाट इंटू 10 × 60, मतलब 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आ गया 72
और ये हो जाएगा 7,20,000, तो आ जाएगा 7.2 × 10^5 जूल। तो जैसा कि क्लियर है सॉल्यूशन से ही कि टीवी सेट हमारा मोर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन्स 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस 8 ओम और एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी दी है 15 एम्पियर और समय दिया है 2 आवर्स, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7200 सेकेंड। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें R दे रखा है 8 ओम, I 15 एम्पियर और T को हमने कन्वर्ट कर लिया 7200 सेकेंड। अब आपको पता है कि P इक्वल टू रेट ऑफ पावर फाइंड करनी है, मतलब जो पावर है वही होगी हमारा, मतलब किस रेट से कंज्यूम हो रहा, तो पावर फाइंड करना है। P के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू VI, तो P बराबर क्या होगा I स्क्वायर आई आर और ये आई रहेगा तो आई स्क्वायर आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर × 8 तो 225 × 8 बराबर क्या होगा 1800 वाट। तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा जो रेट ऑफ हीट ऑफ डेवलप्ड इक्वल टू 1800 वाट या पावर हमारी 1800 वाट होगी, यही हमारा सोल्यूशन होगा। 18 क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो इसका आंसर होगा हमारा, टंगस्टन इज एन अलॉय, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई एंड वेरी हाई रेजिस्टिविटी, सो टंगस्टन डज नॉट बर्न इजली एट हाई टेम्परेचर। यही रीजन है हमारा टंगस्टन अलॉय का यूज करने में फिलामेंट की जगह। बी पार्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो आंसर में इसके होगा, द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ अलॉय बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मोर देन द मेटल विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सी क्वेश्चन है, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो इसका जो आंसर होगा, इन सीरीज सर्किट वोल्टेज इज डिवाइडेड, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सीरीज रिसीव ए स्मॉल वोल्टेज, सो द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज एंड डिवाइस बिकम्स हॉट एंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली सिंस सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट्स। एंड अदर इम्पॉर्टेंट रीजन, इफ एनी डिवाइस इज आउट ऑफ ऑर्डर देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ब्लॉक एंड होल सर्किट इज नॉट कम्प्लीट एंड ऑल्सो ऑल अप्लायंस वर वर्किंग आउट ऑफ ऑर्डर। डी क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आंसर में इसके होगा, जो हमारा डी वो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस डिक्रीज वाइस वर्सा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो जो आंसर होगा, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो दे हैव लो रेजिस्टिविटी सो दे आर यूजली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है और जो नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ अर्थ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो इसका सलूशन देखिए, टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19 कूलम्ब। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्यू अपॉन ई,
ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹ पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। तो जब 16 को 10 से डिवाइड करने, मतलब 10/16 × 10⁻¹⁹ ये ऊपर जाएगा, 19 प्लस में आ जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.625 × 10⁻¹⁹ और ये जब इधर आएगा डेसिमल एक तरफ बाई एक तरफ एक डिजिट दाई तरफ बढ़ेगा तो पावर नेगेटिव बढ़ेगी, तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 16 पर, फर्स्ट जस्ट द रिक्वायरमेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1 ohm and 10⁶ ohm, बी ए 1 ohm, 10⁴ ohm and 10⁶ ohm। सॉल्यूशन में यहाँ पर हमें फर्स्ट ए पार्ट में दिया है R1 = 1 ohm, R2 = 10⁶ ohm। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, क्योंकि दोनों पैरेलल सीरीज में कनेक्ट है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/1, क्योंकि R1 1 है तो 1/1 + 1/10⁶। दोनों का एलसीएम 10⁶ होगा, यहाँ आ जाएगा 10⁶ + 1। तो इसको जो पावर ओपन करेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 10⁶ / 10⁶ + 1। तो 10⁶ + 1 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के आगे 501, और यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 के आगे 60। अब ये 0.99 ohm के इक्विवेलेंट है, या R इक्वल टू हम 1 ohm भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है B, जिसमें हमें दिया हुआ है R1 1 ohm, R2 10⁴ ohm, R3 = 10⁶ ohm। सेम वही फार्मूला, 1/RQ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RQ = 1 + 1/10�³ + 1/10⁶। सबका एलसीएम 10⁶ होगा, यहाँ हो जाएगा 10⁶ + 10�³ + 1। तो जब इनको हम पावर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1000000 + 1/10⁴। अब जब 1/RQ होगा तो इन सबको ऐड करके आ जाएगा 1000001, अपॉन में जाएगा ये ऊपर आ जाएगा 1000000। डिवाइड करेंगे 0.999 ohm, या R इक्वल टू इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 1 ohm के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब जो सेकंड है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 550 ohm एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 volt सोर्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। सॉल्यूशन में R1 = 100 ohm, R2 = 50 ohm, R3 = 500 ohm, V = 220 volt, all resistor connected in parallel, so each resistor carry different electric current, I1 = V/R1, I1 = 220/100, तो I1 = क्या आ जाएगा 2.2 एम्पियर। जो हमारा I2 होगा V/R2, तो 220/50 सॉल्व करके आएगा 4.4, तो I2 = 4.4 एम्पियर। I3 = V/R3, I3 = 220/500, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा I3 = 22/50, तो सॉल्व करके आएगा 4.4 एम्पियर। अब I3 = 4.4/10, तो जब सॉल्व करके 4.4/10 आएगा, अब I3 = 0.44 एम्पियर। अब उसके बाद टोटल जो करंट है हमारा I = I1 + I2 + I3, तीनों को सब सम कर लेंगे 2.2 + 4.4 + 0.44, सॉल्व करके आएगा 7.04 एम्पियर। बिकॉज इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स एज मच करंट एज थ्री अप्लायंस यूज, तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि करंट जो थ्रो इलेक्ट्रिक आयरन मूव्स 7.04 एम्पियर, इसके इक्वल इलेक्ट्रिक आयरन में जा रहा है, तो यहाँ पर 7.404 एम्पियर आयरन में करंट फ्लो कर रहा है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाएगा, R = V/I,
या आर इक्वल टू 22,000 अपॉन 7.04। पॉइंट के बाद दो डिजिट डेसिमल हटेगा, दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 22,000 अपॉन 704। डिवाइड करेंगे 31.21 ओम, तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा आयरन 31.25 ओम, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन जो फोर है हमारा, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। तो हमें पता है कि जब हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों जोड़ना पड़ेगा, और जब मिनिमम लिस्ट जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बराबर 3 है, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3, R3 बराबर 6 ओम। अब फर्स्ट पार्ट है इफ बी कनेक्टेड, R1 बराबर 2 ओम और ये R2 3 ओम, R3 6 ओम, तो ये हो जाएगा R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रहा R2 R3। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। अब जब वैल्यू पुट करेंगे 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व करके आएगा 2 प्लस 1/6, या जब हम सॉल्व करेंगे 1/RP इक्वल टू 3/6 या 3 × 3 × 3 × 2 = 6, तो RP बराबर हमारा आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/2 या RP इक्वल टू 2 ओम। अब इसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट से वो R1 प्लस RP के इक्वल होगा, तो 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और बी पार्ट में क्या होगा, इफ वी कनेक्टेड थ्री रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो R2 बराबर 2, R बराबर 2 ओम और ये R2 बराबर 3, और उसी तरह R3 बराबर 6 ओम, ये है R1, तो ये 2, 3, 6 ओम है, तो 1/RP इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब वैल्यू पुट करेंगे 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 1/RP इक्वल टू सॉल्व करके आएगा 3 + 2 प्लस 1/6, क्योंकि दोनों का एलसीएम तीनों का 6 होगा। अब 1/RP इक्वल टू 6/6, 6 × 6 × 6, तो 1/RP इक्वल टू आएगा हमारा 1 या RP इक्वल टू 1 ओम, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 का फिफ्थ है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 24 ओम। अब फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड कर देंगे आ जाएगा 48 ओम। अब कह रहा है लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो टोटल जो होगा 1/RP सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो 1/RP बराबर आ जाएगा हमारा सबका एलसीएम 24, तो ये 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, तो 24 × 1 = 6, तो 6 + 3 + 2 + 1, तो आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 12/24 या RP बराबर आ जाएगा 2 ओम, यही हमारा आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो इसका सोल्यूशन, टोटल चार्ज दिया है 96,000 कूलम्ब, टाइम 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 50 वोल्ट। तो वर्क डन आर हीट जनरेटेड ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज H = W × P × T। एच बराबर क्या हो जाएगा, P = VI होता है, तो VIT, तो 50 96,000 upon 60 × 60 × 60 × 60, क्योंकि I = होता है Q/T। अब ये हो जाएगा हमारा 48 के आगे 50,
मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल इतनी एनर्जी जनरेट होगी जब हमारा जो 96 कूलम चार्ज एक घंटे तक पास किया जाएगा। अब हमारा अन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट दी हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। सॉल्यूशन में क्या होगा, R इक्वल टू 20 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पियर, T इक्वल टू 30 सेकंड। हीट डेवलप्ड H इक्वल टू होगा I स्क्वायर RT, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दिया है इलेक्ट्रिसिटी तो 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 20 इंटू 30 तो 25 टू जा 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 25 टू जा 2500 इंटू 30, 5 थ्री जा 15 और 3 जीरो मतलब 15,000 जूल। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। अब यहाँ पर I इक्वल टू 5 एम्पियर, V इक्वल टू 220 वोल्ट, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T इक्वल टू 2 आवर 2 इंटू 60 इंटू 60 बराबर 7200 सेकेंड। तो P इक्वल टू वी आई 220 इंटू 5 बराबर क्या होगा 1100 वाट, तो ये हो गई पावर। W इक्वल टू P इंटू T, तो P W इक्वल टू क्या हो जाएगा P की जगह 1100 इंटू 7200, तो ये आ जाएगा हमारा 792 के आगे 40 जूल, तो ये आ जाएगा 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। ये हमारे मोटर की द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम होगी एक घंटे में वो यही आंसर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 पर किलोवाट आवर। P इक्वल टू 400 वाट या 0.4 किलो वाट, T इक्वल टू 8 आवर पर डे, टोटल नंबर ऑफ डे 30। अब उसके बाद दिया है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज बराबर क्या होगा 0.4 इंटू 8 इंटू 30, तो आ जाएगा सॉल्व करके 96.000 किलो वाट आवर या 96 यूनिट। अब जो ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज इक्वल टू टोटल कंज्यूम एनर्जी इंटू रेट इक्वल टू 96 इंटू 3 बराबर होगा रुपए 288, 3 6 18 कैरी 1 3 9 27 28। तो ये हमारा जो आंसर है यहाँ समाप्त होता है, इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल भी फिनिश होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होंगे और इनके काफ़ी मार्किंग रहती है और प्री बोर्ड के लिए भी यूजफुल साबित होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, धन्यवाद।